नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन देवा, हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब रिज़वी, स्वागत है। बसपा की खबर पेश करने को आ गई, तैयार? चलो शुरू कर रहे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यूपी चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने को जो ऐलान करो हो, मायावती ने वह पूरा करते हुए नजर आ रही। आज बसपा सुप्रीमो मायावती झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने को पहुंच गई। बसपा सुप्रीमो मायावती को चुनावी रथ झारखंड पहुंच चुका है और झारखंड ते उन्होंने जो हुंकार भरी है, विपक्ष पर निशानों साधो है। बहुजन समाज की आवाज उठाते हुए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलन को आईना दिखा दियो है कि बहन जी ही आज भी दलितन की और बहुजन समाज की आवाज है। ये उन्होंने साबित करके दिखा दियो है। वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी साथ में झारखंड पहुंच गए हैं और दोनों ने मिलकर चुनाव प्रचार की बुगुल फूंक दियो है। आज से वो वहां लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। तो शादाब रिज़वी जी पहुंच गए हैं झारखंड? बिल्कुल, बुआ भतीजे दोनों बिल्कुल पहुंच गए हैं। और इनके पहुंचने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है विभाग जी, जो लोग ये कह रहे थे कि बहन जी ने अपने भतीजे को बिल्कुल दबा दिया है, उन्हें बोलने नहीं दे रही है। कई बार लोगों ने कहा कि आकाश आनंद को पूरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है बोलने का। अभी पीछे कई बातें ऐसी चली ना, बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने की साजिश रची गई। कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और अभी जब बहन जी को पता है कि भतीजे को राजनीति में मैंने उतारा है और बहुत कुछ सीखना है, तो कई फैसले बहन जी को लेने पड़ते हैं। उन फैसलों के ऊपर लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को चढ़ाना और बहकाना शुरू कर दिया। पिछली बार चुनाव में जब आकाश आनंद को ले गई ना साथ, हाँ, तो जवाब मिल गया उनको। जवाब मिल गया, लेकिन बहुत सवाल उठे वाद दौरान में जब आकाश आनंद को निलंबित कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, दोनों बदन थे जी, तो पूरे देश में बिल्कुल की चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल, लोगों ने ये कह दिया कि अब जो है बसपा सुप्रीमो बिल्कुल गलत फैसला ले रही है, आकाश आनंद को बिल्कुल हटा दिया, डाउन कर दिया। लेकिन आज उन लोगों के मुंह पे जो तमाचा लगा होगा विभाग जी, आप समझ सकते हैं, झारखंड में जाके बहन जी ने आकाश आनंद को लेके और बसपा की जो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका है, समझ लो उनकी आंख कान नाक सब खुल गए। समझ लो बहुजन समाज यहाँ समझ ले इस बात को कि कहीं भी कुछ गलत नहीं है। क्या होगा, सीटें कितनी आएंगी वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, मजबूती के साथ में एंट्री है चुकी है और चुनाव प्रचार में दोनों बुआ भतीजे कूद चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, बहन जी ने जो कहा था अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, आपने अभी खबर सुनाई, बिल्कुल बिल्कुल करके दिखा रही हैं। दूसरी बात, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह भी कहा था कि हमें रेवड़ी नहीं, मतलब लोगों को रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो लोग कह रहे हैं ना, राजनीतिक पार्टियां कह रहे हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको वो फ्री देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, सब पे विराम लगाते हुए उन्होंने कहा था कि भैया आप सामान मत दो, आप चीजें मत दो, आप रोजगार दो। जब भी इस युवा को, समाज के युवा को रोजगार मिलेगा तभी देश तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात है। शादाब रिज़वी, एक सवाल और है जी। बहन जी झारखंड पहुंची है और चुनावी जनसभा को संबोधित करो, आकाश आनंद ने भी संबोधित करो जी, लेकिन नेशनल मीडिया में या क्या ये अखबार में कोई खबर या विषय पे बिल्कुल नहीं, ये क्या बात है? देखिए, नेशनल मीडिया हो या उसे लोग बाग गोदी मीडिया की भी संज्ञा दे रहे हैं, कुछ एक चैनलों को छोड़कर, कुछ एक अखबारों को छोड़कर सारे तो सत्ता की दलाली करने में लगे पड़े हैं, तो क्लियर कट बात है, इसमें मैं भी गुरेज नहीं करता कहने में। आज आप ये बात बता रहे हैं, बहुजन समाज के सारे दर्शक इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि बसपा की रैली झारखंड में हो रही है। सिर्फ बसपा के जो अपने चैनल हैं या जो बहुजन समाज के या दलित समर्थक चैनल हैं, सिर्फ उन पे खबर है, इसके अलावा खबर गायब है।
खबर कौन सी चल रही है? अच्छा, समाज के भी जो चैनल है, समाज के कई बहुत बड़े बड़े चैनल है, लेकिन वो भी बरसाती मेंढक की तरह। बरसाती मेंढक नहीं बेबाक जी, अब जैसे चुनाव है, अब चुनाव में वो चारों तरफ को हाथ पैर मारे और वो भी रेवड़ी खाने के चक्कर में रहे। एक बात आपने मुझे याद दिला दी और अपने मैं बहुजन समाज के सभी साथियों से बताना चाहता हूँ कि दलित नाम के नाम पर, बहुजन समाज के नाम पर कुछ चैनल ऐसे चल रहे हैं जो कि विपक्षी पार्टियों ने चला रखे हैं। आज मैं देख रहा था कि उसमें सिर्फ मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, और हिंदू और मुसलमान को, दलित को और हिंदू को, दलित को और मुस्लिम को लड़ाने की उसमें खबरें, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। भाई ऐसा समाज का कोई कुकृत्य बहुजन समाज का व्यक्ति तो कर नहीं सकता, ना ही बहुजन समाज का समर्थक कोई ऐसी खबरें परोस सकता है लोगों में कि वो आपस में लड़ाई कराएं, झगड़ा कराएं, भाईचारा खराब कराएं, आपसी सौहार्द बिगड़वाएं। ऐसी खबरें बहुजन समाज का कोई समर्थक नहीं परोस सकता। सच्ची बात ये है रिजवी जी, के कछु चैनल ऐसे हैं दलित के नाम पर चल रहे हैं। दलित के नाम पर ठीक है जी, लोग देख रहे हैं, दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो भी राय तो फैलाने में कम नहीं है, वो भी पूरा राय तो फैला रहे हैं। बिल्कुल नकाब लगे हुए हैं चेहरों पर, नकाब। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, क्या गाना है ना वो? जी जी बिल्कुल, वही नकाब लगा रखे हैं लोगों, नकाब लगा रखे हैं, तो अपनी दुकान चलाने पे लगे हुए बिल्कुल। जैसे भी लोग हैं, अब वो देखो सार्वजनिक तो करने की बात है नहीं, लेकिन ऐसी है और आप भी समझ रहे होंगे। अच्छा सादा जी, एक सवाल हो, एक सवाल ये है कि जब भी कभी चुनाव आवे, कोई बात हो, तो लोग, मीडिया, स्पेशल वाली मीडिया, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये सारा मामला जो है वो बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने के लिए प्रोपगंडा फैलाया जाता है, और ये प्रोपगंडा क्या है, ये इसलिए फैलाया जाता है कि बहुजन समाज का जो वोटर है, बहुजन समाज का जो समर्थक है, जो बहन जी को पसंद करता है, वो बहन जी से हट जाए। और पिछले कुछ दिनों तक, पिछले कुछ सालों में ये लोग कामयाब भी हुए हैं इस प्रोपगेंडा को फैलाने में, और बहुजन समाज के बहुत ऐसे लोग जो कि समझ नहीं पाए, इनके बरगलाने में आ गए, इनके बहकाने में आ गए। अच्छा कछु जो है, मैं थोड़ी सी आपकी बात को रोकते हुए अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कछु लोग समाज के, कछु लोग बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं जी क्या फायदा है रो, कोई रिजल्ट ही ना रो, कोई रिजल्ट ही ना रो, कोई फायदा ना है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन आप एक बात भी सोचो ना, हर चीज को एक समय है। कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ है, और पार्टियां कहाँ थी कहाँ है, और बीजेपी कहाँ थी और कहाँ है, एक वक्त है, एक समय है। आज इनको जादू चल रहा है, कल के जादू भी उतरेगा, लोगों के सर पे चढ़ गए, जो बोल रही है वो सर पे उतरेगी भी। बिल्कुल, और आज जो आपको ये नजर आ रही है कि कहीं नहीं है, वो ही ऊपर होंगे। क्यों? कि जो नीचे है वो ऊपर होगा, जो ऊपर है वो नीचे होगा। बदलाव तो होता है, प्रकृति का नियम है। बिल्कुल बेबाक जी, जो आपने सवाल किया ना, मैं दर्शकों को बता दूं, जो हमारे बहुजन समाज के साथी हैं उनको बता दूं कि इसी उपचुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है बहन जी ने, जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। तो समझ लो, उपचुनाव में बसपा ने 3 ऐसे जो है सीट का खेल खराब कर दिया है जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, और 5 ऐसी सीट हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जहाँ बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बसपा ने क्या किया है, करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को उतार रखा है, तो बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को उतार रखा है, और सीसामऊ सीट से वीरेंद्र शुक्ला को उतार रखा है, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को, और मझुआ से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरीके से बसपा के 4 सवर्ण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से बीजेपी के लिए सियासी राह मुश्किल है, मुश्किल बढ़ गई। अब मुश्किल बढ़ रही है किसकी, बीजेपी की। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो मुश्किलें थोड़ी ना बढ़ा देती बहन जी, लेकिन बहन जी ने ये जो उम्मीदवार उतारे हैं, इनका जो चयन किया है, बहुजन समाज के लोग अच्छे तरीके से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बहन जी ने ये उम्मीदवार उतार के, ये मैं आपको बता दूं। और करहल में सपा के नेता तेज प्रताप यादव और बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बसपा ने शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतार कर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। नींद नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शाक समुदाय ज्यादा है, बहुत ज्यादा बाहुल्य है, तो सपा के खिलाफ वोटिंग करता रहा है शाक्य समाज तो हमेशा से ही, जिसके चलते बीजेपी के शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है बीजेपी। ऐसे में मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतार कर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। बी टीम है या ए टीम है,
बताओ कौन सी टीम है ये, तो बीजेपी के बी टीम का जो नैरेटिव है ना उसे तोड़ने का काम यहाँ बसपा प्रमुख मायावती ने बखूबी कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दे दिया ऐसे लोगों पे जो ये खूब कहते फिर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो बहुजन समाज के लोगों समझ लेना, जो बरगला गए थे शाम का बिछड़ा, कौन सी कहावत है वो विभाग जी, सुबह का बिछड़ा शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे बिछड़ा नहीं कहते, बिल्कुल भूला नहीं कहते, वही मैं कहना चाह रहा था। तो अगर कुछ लोग इधर उधर बिछड़ गए हैं और चले गए हैं और लोगों के बरगलाने में आ गए, वापस आ जाए, क्यों? क्योंकि बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए एक ही नेता। वैसे भी आपको मालूम है पूरे देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल, कि बेटी ले जाएंगे, बेटी मार देंगे, भगा देंगे, कटेंगे तो बटेंगे, छटेंगे, पिटेंगे, लुटेंगे, मरेंगे। बताओ, खाने कमाने की बात होनी चाहिए, रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, नौकरी देने की बात होनी चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, किसान की आय बढ़नी चाहिए, गंगा साफ होनी चाहिए। सही बात है। क्या हुआ? ढाक पे तीन बार कछु नहीं हुआ, बस क्या बातें बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन नीचे कछु नहीं है, बस सब हवा हवाई है, बादल फाड़ो और ठेगरी लगा दो, कछु नहीं है। देखिए कुछ लोग तो बेबाग जी पता क्या सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बहन जी खाता नहीं खोल पाई, इसलिए बहन जी हमेशा सरेंडर कर गई, हमेशा की तरह जैसे हो जाता है ना कि बी टीम लोग फैला देते हैं अफवाह, ऐसे ही इस बार भी कह रहे थे कि भैया सरेंडर कर गई। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राजनीतिक समीकरण हमेशा से बदलते रहते हैं और बदलाव होता रहता है, बदलाव हुआ समय के साथ बदलाव होता रहता है। आप और हम अपनी अपनी सोच के ऊपर ही अगर विचार करें तो महसूस करेंगे कि कल हम कायगु गलत कह रहे हैं, लेकिन आज हम बाबू है सकेगा गलत ना कहें, हम और कोई बात बाकी प्रति अपने दिमाग में लाएं। तो समय बदल तो रही, समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल वक्त आप है, बसपा को वक्त अभी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव आप है और पॉजिटिव आप है तो नेगेटिव तो कर दिया गया है विभाग जी। नेगेटिव करने के पीछे जो साजिश थी, जो चाल थी, उसमें वो लोग कामयाब हो गए, कामयाब ऐसे हुए, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था वो लोगों के बीच में घुस गया। सबसे बड़ा हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल करा है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, मीडिया और सोशल मीडिया। अब कहीं आप ये समझ लो कि किसी भी बेचारे बहुजन समाज के एक व्यक्ति के मोबाइल जैसे खुलता है और उसके मोबाइल में सबसे पहले क्या आता है? मोदी जी, योगी जी, तमाम ऐसे नेता। और साथ ही एक चीज़ और आ रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत जिक्र सुन रहे होंगे आप। व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे ज्ञान बांटे जा रहे हैं कि बहुजन समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया। कई लोग तो ये सोच लेते हैं, ओहो भाई ये जो बात इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आई है सही होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने के बाद, बरगला करने के बाद में उन लोगों को बसपा समाज से दूर कर दिया, बहुजन समाज को ही बसपा से दूर कर दिया। अब इसी दूरी की वजह से तो राजनीति में ये लोग आए हैं, वरना आने कहां दिया जा रहा था इनको। खैर, समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल, और प्रकृति हर समय एक जैसी नहीं है, बदलती रहे तो भी समय भी बदलेगा, बहुत जल्दी कुदरत यहाँ पे भी कछु ना कछु तब्दीली करेगी। इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करो, लेकिन नजर लगातार बनाए रखो, क्यों कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खबर वो हम विराम कर रहे हैं और एक मैसेज और हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं बहुजन समाज के लिए विभाग जी, कि बहुजन समाज के लोग कम से कम जो उनके लिए बात कर रहे हैं मीडिया के लोग, जो भी पत्रकार साथी उनके लिए बात कर रहे हैं, हमारा चैनल हमेशा बहुजन समाज की आवाज़ उठाता चला आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से इसमें ये जरूर लिख दें कि आखिर कौन से मुद्दे हम और शामिल करें अपनी चर्चा के बीच। बिल्कुल, जो भी विचार है आपके दिमाग में, जो विचार चल रहा है और जो चैनल के लिए सही है, जो समाज के लिए सही है, जो आप और हमारे लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए सही है, बाबू जरूर लिखो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वीडियो बनाने और वहाँ पे बात करें, वहाँ पे चर्चा करें। अब हमें दो इजाजत, बिल्कुल तेजी देख बिगर ब्रेक बैला बैठ, बिल्कुल तेजी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारा भी नमस्कार उसी अंदाज में, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब।